पे स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच। ओम डिवाइन ब्लेसिंग, जय माँ लक्ष्मी। जी मैम, क्या मैसेज देना चाहेंगी? जो इतना अच्छा शो किया है, इतना सक्सेसफुल रहा है शो, उसके बारे में बताइए। सक्सेसफुल तो देखो, आप सब लोगों ने सपोर्ट किया और मैं ब्रिक्स एकेडमी की डायरेक्टर, सेलिब्रिटी टैरो कार्ड रीडर एंड न्यूमरोलॉजिस्ट, और ये जो हमने 21st को प्रोग्राम किया ग्रैंड अवार्ड सेरेमनी, इसमें बहुत सारे लोगों की दुआएं और बहुत सारे, मैंने ये पूरा प्रोग्राम डेडिकेट किया अपने गुरुओं को, अपने मेंटर्स को, और जो मेरे साथ बच्चे जुड़े हुए थे 3 साल से, पेरेंट्स जुड़े हुए थे और बहुत सारे सोशल एक्टिविस्ट जुड़े हुए थे, तो उन सब का एक पूरा माहौल क्रिएट किया मैंने, ताकि वो सारे लोग मिलके इस हमारे अवार्ड सेरेमनी को सेलिब्रेट कर सकें। और सबकी बहुत सारी दुआएँ विशेज रहीं और सब ने बहुत सराहा, तो उसके लिए, उस वजह से शायद ही इतना सक्सेसफुल हो पाया। और मैं यही बोलूँगी, थैंक यू है आप सबका, धन्यवाद दिल से, बहुत बहुत धन्यवाद। और अच्छा लगा मुझे कि सब ने इतना सपोर्ट किया, मैंने सिर्फ एक पहल की थी, और जिसमें मेरे को मेरे मेंटर और मेरे चेयरपर्सन मिसेस रीना तिवारी, मिस्टर रमेश तिवारी मेरे अंकल, रिटायर्ड IAS ऑफिसर, मेरी गुरु जिनको मैं गुरु मानती हूँ, और विभा गुरतू मैम, मतलब इन सब ने बहुत मोटिवेट किया, मेरे हस्बैंड, मेरी फैमिली, मेरी टीम जो मेरे से जुड़ी हुई है, कोरोना के टाइम में भी वो लोग छोड़ के नहीं गए, मुझे मेरे साथ रहे, और इसके साथ में जितने मेरे सपोर्टर रहे, डॉक्टर्स की पैनल रही, डॉक्टर दीक्षित जी, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया, निज़ामुद्दीन जी, रोहित पांडे जी, मतलब क्या नाम मैं लूँ और क्या नाम नहीं लूँ, बहुत सारे लोग थे, और मीडिया पार्टनर में भी, मतलब ये सारे मेरे बहुत करीब हैं, इन्होंने सराहा मेरा काम। और जब मैंने इस चीज़ को स्टार्ट किया था, तो 2 साल पहले मैंने प्लान किया था, ये जो हमने जो ये ग्रैंड अवार्ड सेरेमनी किया, ये 2 साल पहले की एक प्लानिंग थी। उससे पहले एकेडमी में मैं छोटे प्रोग्राम्स बहुत करती रही, कोविड में भी करती रही, अलग अलग विषयों पे मैंने किया, और ये एक सिंगल प्रोग्राम था, बट बहुत लोगों ने सपोर्ट किया, स्पॉन्सर किया, इरम एंटरटेनमेंट, अमरीन फरीदी, इरम फरीदी, इन सब लोगों ने भी बहुत सपोर्ट किया मेरे को इस प्रोग्राम में, और मतलब यंग बच्चों ने भी किया, जो यंग एंटरप्रेन्योर्स जिन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया अपना, अर्जुन जानी और अपूर्व कुलकर्णी, मेरे RJ, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, सराहनीय काम किया, मनन ठकराल ने, दिखता है प्रोफेशनली जब आप किसी के साथ काम करते हो, जुड़ते हो, तो बहुत अच्छे तरीके से उन लोगों ने मैनेज किया। और मेरी टीम को पूरा मैं डेडिकेट करूँगी, और पेरेंट्स का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया, और गणपति जी भी आए, गिफ्ट भी आए हमारे पास, बहुत सारे गिफ्ट आए, तो अच्छा लगा, अलग अलग तरह से लोग आए, फूल, चीज़ें, शॉल, गिफ्ट, मतलब अनएक्सपेक्टेड था, लेकिन बहुत दिल के करीब, सराहनीय है, मुझे बहुत अच्छा लगा, और हो गया सबकी दुआओं से। मैं ये बोलूँगी कि ये सबकी दुआओं से, सबकी विशेष का कमाल है जो हमने इस अवार्ड सेरेमनी को सक्सेसफुल बनाया। जी अच्छा मैम, जैसे कि स्पॉन्सर्स थे, और हमने देखा आपके प्रोग्राम में सुर लहरी जैसी बड़ी बड़ी कंपनीज आपके साथ जुड़ी हुई थी, उन लोगों के लिए क्या मैसेज है? मैं यही बोलूँगी कि सुर लहरी अच्छा काम कर रहा है, और पावर्ड बाई है अपूर्व कुलकर्णी, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, वो मतलब शास्त्रीय संगीत सीख रहे हैं, और उन्होंने अभी अपना एक गाना लॉन्च किया है, तो उनका ही था कि मैं आपके साथ काम करना चाहता हूँ, एकेडमी के साथ काम करना चाहता हूँ, और एकेडमी का टैग लाइन ही है प्लेटफॉर्म फॉर ड्रीमर्स, तो हम यंग टैलेंट को मौका देते हैं, पहले के लोग भी जुड़े हुए हैं, लेकिन जब यंग टैलेंट आपके साथ जुड़ता है, तो उनको मोटिवेट करना बहुत ज़रूरी है। जब मैंने स्टार्ट किया था, तो मुझे भी कोई अच्छा गुरु या मुझे भी कोई सिखाने वाला जब मिला, तो मैंने छोड़ा नहीं साथ किसी का, तो मुझे भी यही फीलिंग थी कि मुझे भी इन सब लोगों को सपोर्ट करना चाहिए, तो सुर लहरी ने भी बहुत सपोर्ट किया मुझे, आप देखोगे तो उन्होंने एंड तक साथ बनाए रखा, और ब्लेसिंग्स हैं, तो साथ में हम लोग और भी प्रोजेक्ट हमारे आने वाले हैं, हम लोग काम करेंगे। अच्छा, नेक्स्ट प्रोजेक्ट कब तक ला रहे हो और क्या लेके आने वाले हैं मैम? नेक्स्ट प्रोजेक्ट है, हम लोग अभी जो ऑर्गेनाइज करेंगे, हमारा जो नेक्स्ट है, वो हम लोग ब्रिक्स एकेडमी का हम टैलेंट हंट लेके आ रहे हैं, जिसमें हमारी प्लानिंग स्टार्ट हो चुकी है, जिसमें हम दिल्ली में हम लोग एक अवार्ड सेरेमनी कर चुके हैं, हमने 19th को भी बच्चों का प्रोग्राम किया, जिसमें हमने डांस, फैशन शो और अलग अलग टैलेंट को बाहर निकाला, उसके बाद हमने उसमें से जो हमारे विनर्स हुए उनको हमने वहाँ इन्वाइट किया विद फैमिली, तो उनका भी रिस्पॉन्स अच्छा आया। अब हम चाहते हैं कि हम दिल्ली के बाहर प्लान करें, और अभी हम टैलेंट हंट का एक लेके आना चाह रहे हैं सबके सामने, और इसके साथ में हम शॉर्ट मूवी डिज़ाइन कर रहे हैं, प्लान कर रहे हैं शॉर्ट मूवी, जो हम सीधा ब्रिक्स एकेडमी से हम लोग प्रेजेंट करेंगे, और OTT प्लेटफॉर्म के लिए जाएगा,
तो उसके ऑडिशंस हम लोग 30 तारीख से स्टार्ट करवा देंगे और नॉमिनेशन स्टार्ट हो जाएंगे। ऑब्वियसली बात है एकेडमी है तो मेरी पूरी टीम है, पूरी टीम को संभालना है, तो ऑडिशंस रजिस्ट्रेशन के चार्जेस रहेंगे इसमें। हम बच्चों को उसी में से हायर करेंगे, उनको सिखाएंगे। बहुत सारे डायरेक्टर से मेरी बात हुई है जो कि एसोसिएट होना चाहते हैं एकेडमी के साथ में, जो कि बहुत अच्छी बात है, और वो क्लासेस देंगे, हम बच्चों को सिखाएंगे। और जिसमें भी हुनर है, म्यूज़िक का, डांस का, हास्य का, या कविता लिखते हैं, या फिर उनको शौक़ है कि वो एक्टिंग करना चाहते हैं, या उनकी राइटिंग स्किल्स बहुत अच्छी है, किसी भी फील्ड में, किसी भी क्षेत्र में कोई एज बार नहीं है, जो काम करना चाहे वो हमसे जुड़ सकता है जी। अच्छा मैम, मिली मैम, पी न्यूज़ के लिए दर्शकों को क्या मैसेज देना चाहेंगी? पी न्यूज़ के लिए मैं बोलूँगी कि पी न्यूज़ ने मेरा पोस्ट देखा जब मेरा ये प्रोग्राम डिज़ाइन हुआ था ग्रैंड अवार्ड सेरेमनी, और नदीम जी ने मुझे खुद कॉन्टैक्ट किया। तो अप्रिशिएट करते हैं कि आगे से चल के जब कोई आपको पहल करता है तो हमें भी उनको सपोर्ट करना चाहिए। और नदीम जी ने खुद बोला कि मैम मैं आपके साथ एकेडमी के प्रोग्राम में जुड़ना चाहता हूँ और आपकी न्यूज़ वगैरह। लेकिन जब मैंने उनका काम देखा, एक होता है कि रैंडम कॉल आना, बट जिस तरीके से आप लोगों ने काम किया, मतलब काम करना और अपना इनिशिएटिव लेना, 100% देना, ये बहुत ही सराहनीय है। ऐसा नहीं कि सिर्फ तारीफ करने के लिए मैं बोल रही हूँ, मैं दिल से बोल रही हूँ कि आप लोगों का काम बहुत अच्छा है, आप लोग ऐसे ही काम करते रहिए। और पी न्यूज़ नहीं है, पी न्यूज़ आपको टाइम दे रहा है, आपके साथ बैठ रहा है, हर एक चीज़ को दिखा रहा है लोगों को कि एक्चुअल में क्या चीज़ चल रही है। तो मेरी गुड विशेज़ हैं, वेल विशेज़ हैं कि आप और अच्छा करें, पूरी पूरी ब्लेसिंग्स हैं कि साथ जुड़े रहें। और मैं तो अब पी न्यूज़ को नहीं, मतलब सेकेंडरी लेने वाली अपने किसी भी प्रोग्राम में, हमेशा फर्स्ट पे आप लोग रहोगे, क्योंकि सपोर्ट किया आप लोग भी, मेरी गुड लिस्ट में हैं और बहुत ही अच्छा आप लोग काम कर रहे हो। और आप लोगों का रिव्यू मेरे से पहले मेरे जो जितने गेस्ट थे उन सब से आ चुका है, तो मैं क्या तारीफ़ करूँ, आप लोग खुद तारीफ़ के काबिल हैं जी। बहुत बहुत शुक्रिया मैम, थैंक यू सो मच। ओम डिवाइन ब्लेसिंग, जय माँ लक्ष्मी, ऐसे ही बने रहिएगा ब्रिक्स एकेडमी के साथ। थैंक यू।